साथ सभी को खत्म कर सके। तभी चारों नाइट नीरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर नीरो अपने एक ही अटैक से उन चारों को जमीन पर गिरा देता है और उन सभी को कमजोर कहने लगता है। फिर नीरो वहां से गोल्डन आर्मर को लेकर चला भी जाता है। तभी वहां आर्मी भी आ जाती है। सैम गोल्डन आर्मर को वापस लेने की कहता है, पर सिग्नस कहता है कि अगर उन्हें आर्मी ने पकड़ लिया तो वो कभी गोल्डन आर्मर को नहीं ले पाएंगे, इसीलिए अभी उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। सभी सिग्नस की बात पर एग्री करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी नाइट सियना के पास पहुँच जाते हैं और उसे बताते हैं कि गोल्डन आर्मर को सोन का भाई नीरो ले गया। ये सुनकर सियना काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अगर वो उस गोल्डन आर्मर को नहीं बचा पाए जो कि उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था, तो सियना खुद ही उस गोल्डन आर्मर को वापस लाने के लिए जाने की कहती है। पर सिग्नस उसे रोकते हुए कहता है कि वो उसके लिए उस गोल्डन आर्मर को जरूर वापस लेकर आएगा। पर सभी सिग्नस से पूछने लगते हैं कि वो सियना के लिए फाइट करने के लिए तैयार कैसे हो गया, जिस पर वो बताता है क्योंकि उसे सच पता है और